नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बीजेपी का एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड में है तो दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव के लिए भी मंथन जारी है। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव 27 फरवरी को है। इसमें से 9 सदस्य भाजपा के हैं और लेकिन इस बार विधानसभा में विधायकों की संख्या को देखते हुए बीजेपी के सात सदस्य ही राज्यसभा पहुंच सकते हैं। अब मंथन इसी बात को लेकर हो रहा है कि 2024 के आम चुनाव से पहले इन सात चेहरों के जरिए जाति समीकरण को साधने की कोशिश करेगी बीजेपी। और इनमें सबसे ज्यादा चर्चा कुमार विश्वास और अपर्णा यादव की हो रही है, क्योंकि अपर्णा यादव जिस तरह से सपा से सीधा बीजेपी में शामिल हुई, उनको टिकट को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी भी सामने आई थी, क्योंकि 2022 में उनको उम्मीद थी कहीं ना कहीं बीजेपी टिकट देगी और टिकट नहीं दी। लेकिन इस बार राज्यसभा के लिए उनका नाम सामने आना एक बहुत बड़ी बात है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ इस खास चर्चा पर मौजूद हैं सुनील शुक्ला सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, क्या लगता है कि अपर्णा यादव को जिस तरह से टिकट देने की बात चल रही और कुमार विश्वास को भी टिकट देने की बात चल रही, तो क्या लगता है कि वास्तव में टिकट मिल जाएगा अपर्णा यादव को इस बार राज्यसभा का? धन्यवाद सुष्मिता जी। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अपर्णा यादव को टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ नहीं देखता। इससे बड़े कद्दावर नेता भी बीजेपी के पास हैं, पिछड़े वर्ग के, जिनको बीजेपी चाहेगी राज्यसभा भेजना। और भारतीय जनता पार्टी में मतों के लिहाज से भी अभी वो कद मुझे नहीं लगता है कि अपर्णा यादव का है। आज जिस स्थिति में बीजेपी है, जिस तरीके का उसके पास जनाधार है, जिस तरीके का उसके पास जनसमर्थन है, पिछड़े वर्ग के नेताओं की एक अच्छी खासी संख्या उनके पास है, प्रभावशाली नेताओं की है, तो मुझे नहीं लगता। और कुमार विश्वास की भी आप बात करें तो ऐसा लगता नहीं मुझे कि कुमार विश्वास को क्यों भेजेंगे, क्या हासिल हो जाएगा। अब कुमार विश्वास कोई उस तरह से बीजेपी के बहुत प्रखर समर्थक नहीं है और कोई उनके पक्ष में हमेशा लगातार बोलते हुए नहीं दिखाई पड़ते। कई बार उनके वो भारतीय जनता पार्टी की जो कम सोचने विचारने का तरीका, उससे कई बार असहमत भी दिखाई पड़ जाते हैं। मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि कुमार विश्वास पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खांचे में फिट हो गए हैं। तो हाँ, एक निश्चित रूप से एक बड़ा चेहरा है, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी अपने सामाजिक समीकरणों को ठीक करने में लगी हुई है। उसको इस बात की चिंता नहीं कि वो किसी को उपकृत करे। उसको उसके हर निर्णय के पीछे कोई ना कोई राजनीति है, कोई ना कोई राजनीतिक फायदा है। तो अपर्णा यादव या कुमार विश्वास, दोनों में इतना बड़ा नाम नहीं मानता जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत उत्साहित दिखे इनको राज्यसभा भेजने के लिए। जी बिल्कुल सही कहा। लेकिन सर, अपर्णा यादव को उम्मीद थी कि 2022 में उनको उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा, लेकिन राज्यसभा के लिए उनका नाम आना एक ओबीसी चेहरे को भी साधने की प्रयास करेगी। ऐसा आज के अखबारों में भी है कि अपर्णा यादव को राज्यसभा का टिकट मिल सकता है। अल्पसंख्यक के नेताओं में भी बात चल रही कि अल्पसंख्यक में भी किसी को राज्यसभा भेज सकते हैं, लेकिन 2024 का चुनाव है। क्या क्या लगता है कि इस बार वास्तव में पीडीएफ फार्मूले से बीजेपी चल रही है, क्योंकि सपा वही पुराना जया बच्चन को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है, लेकिन जिस तरह से नए लोगों का प्रयोग करने जा रही है बीजेपी, तो कहीं ना कहीं वास्तव में पीडीए का साथ बीजेपी तो नहीं दे रही है? नहीं, बीजेपी का अपना फार्मूला है, पीडीए के फार्मूले पे नहीं है। उसके फार्मूले में अल्पसंख्यकों का कोई स्थान नहीं है। वो अल्पसंख्यकों को टारगेट करके ही एक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और इसलिए वो अपने ध्रुवीकरण की राजनीति से अलग नहीं होगी। जो उसका हिंदुत्व का एजेंडा है, उस एजेंडे से अलग होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि फिर उसकी मुख्य राजनीति का आधार ही खत्म हो जाएगा। और जिस तरीके से वो अपने मतदाताओं को आकर्षित करती है, आकर्षित करने का जो उसका तरीका, उसमें अल्पसंख्यकों के लिए कोई स्थान नहीं हो। कहीं आप देखिए, किसी को जगह नहीं दिया, अब तक नहीं दिया। अभी जो विधानसभाओं के चुनाव हुए, उसमें कहाँ किसी को टिकट दिया उन्होंने, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कोई राज्य हो। वो स्थिति नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो अल्पसंख्यकों को लेकर के, वो तो उनके पास है कि अल्पसंख्यकों को जितना टारगेट करेंगे उतना उनके उनका ध्रुवीकरण होगा। अगर वो समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं तो उसमें कहाँ से आ जाएगा अल्पसंख्यकों को महत्व देना, एकदम अलग अलग चीजें हैं। और नए चेहरों पर दांव लगाना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया।
अगर आप मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का और राजस्थान का सरकारों का गठन देखिए आप, तो आपको लगेगा कि पुराने चेहरों पर किसी पर उनका भरोसा नहीं है। उनको अपने कार्यकर्ता जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं या पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, पार्टी की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, उन पर वो दांव लगा रही है। कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि पहली बार का कोई विधायक और राजस्थान जिस राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन पार्टी ने कर दिया। जिन लोगों के नाम की चर्चा तक नहीं थी उनको मुख्यमंत्री बना दिया मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। तो वह अपना उनका वो है, ऐसे नए चेहरों पे दांव को सामने लाना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको आगे लाना, वो अपने कार्यकर्ताओं को भी एक तरह का संदेश देते हैं और एक एंटी इनकंबेंसी को भी कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं कि सरकार के खिलाफ या नेताओं के खिलाफ जो नाराजगी होती उसको भी दूर करने का प्रयास करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि एक नेतृत्व तो है, उनको लगता है कि मोदी जी के नाम पर उनको वोट मिलता है, एक आकर्षण के बड़े केंद्र है वो, तो वह इस तरह का साहसपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम भी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो अल्पसंख्यक चेहरे के नाम पर किसी को समायोजित करने का प्रयास करे, वह उनके एजेंडे में है नहीं। जी जी सर, लेकिन आज शिवपाल का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ओबीसी की पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए बोला है कि अगर वो हमारे साथ आते हैं तो उनको एक सीट दे दी जाएगी, इस पर क्या कहेंगे आप? ठीक है, एक सीट वो, लेकिन आएंगे नहीं उनके साथ? अगर ओबीसी आते हैं, मैंने गैर भाजपा राजनीति के जैसा दावा करते हैं, उस गैर भाजपा राजनीति के तहत जो इंडिया दल समूह है उनके साथ वहां करके जुड़ते हैं तो कोई बुराई नहीं है, एक सीट ले उनको भी दे सकती है समाजवादी पार्टी। लेकिन क्या वो आएंगे? क्या उन्होंने कोई उत्साह दिखाया अभी तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए? उनकी अब तक जो राजनीति है उसमें तो यही प्रसेशन रहा है कि उनकी राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता रहा है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते रहे हैं। तो यह अगर शिवपाल जी कहते हैं और अगर उनके साथ आ जाते हैं तो कम से कम ये भी हो जाएगा कि जो MIM अपने उम्मीदवार जगह जगह खड़ा कर देती है और चुनाव को एकदम आमने सामने की लड़ाई को त्रिकोणात्मक या बहुकोणी बनाने में उसका योगदान हो जाता है, वो भी रुक जाएगा। और एक जो थोड़ा बहुत भी, क्योंकि एक एक कोट का संकट है, एक एक कोट जुटाना है, मतलब इतने आसान लड़ाई नहीं है। तो आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि सभी उनके जितने भी समर्थक हैं उनको एक साथ रखने की कोशिश हो सकती है। आते हैं या ये बुला रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे लगता है कि ये इंडिया दल समूह के लीग की ताकत ही बनेगी, लेकिन मुझे कम उम्मीद है कि वो आएंगे। लेकिन आज अखिलेश यादव का बयान आता है, उन्होंने कहा कि मुझे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। ये एक बड़ा संदेश जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा की एंट्री होने वाली है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, और उसके बावजूद भी अखिलेश यादव का ये बयान, क्या लगता है गठबंधन में फिर आ रही है थोड़ी बहुत मतलब खींचतान होने वाली है गठबंधन में उत्तर प्रदेश में? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर मुख्य देखिए मुख्य सवाल क्या है, वह है सीटों का बंटवारा, आपस में मिलकर चुनाव लड़ने का। कोई किसी के राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होता है नहीं होता है उसे एरिया डिस्कस निकाल लेना कि गठबंधन में कोई टूट हो रही है, यह बहुत तर्कपूर्ण है, मुझे नहीं लगता। कांग्रेस अपनी यात्रा निकाल रही है, अगर आप उसमें जाएंगे तो अगर वह यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजरती है, जैसा कि कार्यक्रम है 11 दिन रहेगी वो, तो उससे जो राजनीतिक वातावरण मिलेगा उसका सीधा लाभ किसको मिलेगा? समाजवादी पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस तो उस ताकत में है ही नहीं कि उसका लाभ भी ले सके। लेकिन ये बयान देना कहीं ना कहीं ये दर्शा देता है, क्योंकि उन्होंने बड़े उस लहजे में बयान दिया कि मुझे अभी तक निमंत्रण नहीं मिला और बिना निमंत्रण के मैं कैसे जाऊं। अब भाई नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अगर आप किसी गठबंधन में है तो उस गठबंधन के लिए तो आप फिर गठबंधन को चलाने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की थोड़े है। लेकिन ये भी जरूर हमको आपको समझना पड़ेगा कि गठबंधन से अलग होकर के किसी का अस्तित्व बचेगा नहीं। आप खुद देखिए ना, जो मतदाताओं ने जिस तरीके से ध्रुवीकरण की कर दिया, दो मतलब आमने सामने का संघर्ष कर दिया, या तो बीजेपी के साथ या बीजेपी के खिलाफ, कोई तीसरी सीट तो बनती नहीं है वो। लेकिन इस तरह के बयानों से गठबंधन को टूटने का या गठबंधन में कोई दरार आने का या एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा हो जाने का निष्कर्ष निकाल लेना, मुझे लगता है कि बड़ा जल्दीबाजी होगी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी अकेले जाने का साहस नहीं कर सकती है। फिर उसको वो उस नुकसान के लिए उसको तैयार होना पड़ेगा जो समाजवादी जो बहुजन समाज पार्टी झेल रही है। अब देखिए, अलग थलग होने के नाते या समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के ऊपर कितना नुकसान हो रहा है उसका, या उसके ऊपर जो आरोप लग रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी को मदद करती नजर आ रही है, कितना नुकसान है?
अब तो मतलब ये जनता का दबाव है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अलग हो जाएंगे। अलग होकर के मुझे कोई राजनीतिक दल अपने लिए कोई आत्मघाती निर्णय लेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी। 16 कैंडिडेट सपा ने दिए हैं अभी तक, 16 कैंडिडेटों के नाम फाइनल किए हैं कैंडिडेट के, लेकिन उन्होंने उसमें जो पीडीए के फार्मूले से चलते हैं, लेकिन वो अगड़ा जो ए है, अगड़ा अगड़ा जाति का कोई भी उस 16 कैंडिडेट में नहीं है, वजह क्या है? क्यों अनुटंडन अगड़े जाति में नहीं आती है? जो उन्ना से उम्मीदवार जिनको बनाया उन्होंने, रविदास सर टंडन, मेहरोत्रा टंडन अनुटंडन सर रविदास टंडन मेहरोत्रा जो ओबीसी, टंडन नहीं ओबीसी है, ओबीसी में आते? नहीं, ओबीसी में नहीं आते। रविदास मेहरोत्रा जो लखनऊ से है, क्या वो अगले जाति में नहीं आते? ऐसा नहीं है, मतलब वो तो अभी और दूसरी चीज भी 16 सीटों का उन्होंने घोषणा की है। इसमें अब आप ये भी याद रखिए कि अखिलेश जी ने एक बयान दिया हुआ है कि वो उम्मीदवार मैंने जीतने योग्य उम्मीदवार के सामने आएंगे और भी निर्णय लिए जाएंगे, ये भी उन्होंने बयान दिया है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई अंतिम निर्णय हो जाते हैं, उम्मीदवार बदलते भी हैं, पार्टियां बदलती भी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी, बहुत संगठित तरीके से चलने वाली पार्टी, बहुत सोच समझ के निर्णय लेने वाली पार्टी अगर अपने उम्मीदवारों को अंतिम समय में बदल सकती है, तो कोई भी पार्टी बदल सकती है। नए तथ्यों के साथ, नए समीकरण के साथ, नए राजनीतिक हालात पैदा होने पर कोई भी पार्टी अपने उम्मीदवार बदल सकती है, उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है। तो यह 16 उम्मीदवार ठीक आपका कर रहा है, लेकिन ये भी कि उसमें अगड़ों को नहीं रखा है, अगड़ों को भी रखा है। अगर आप पूरी लिस्ट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अगले भी उसमें हैं। दो नाम तो मैंने आपको इसे बता दिए, और पिछड़े भी उसमें हैं, दलित भी हैं और अल्पसंख्यक भी हैं। और इस बात की भी संभावना रहती है कि उम्मीदवार घोषित होने के बाद भी उम्मीदवारों के नाम में परिवर्तन हो सकता है। समाजवादी पार्टी भी आप याद कीजिए, 2022 के लोक विधानसभा के चुनाव में कितनी बार हर चरण में उम्मीदवार बदले गए थे, तो उसमें बदलाव भी हो सकता है। और सीटों के बारे में भी आप कह सकते हैं कि अखिलेश जी का ही बयान था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार सामने लाए, और कौन सा उम्मीदवार होता है, अगर उम्मीदवार जीतने लायक होगा तो उसे विचार किया जाएगा। चुनावी गणित में, चुनावी निर्णयों में को आप एकदम अंतिम नहीं मान सकते हैं, ये किसी भी समय परिवर्तन कर सकती है कोई भी पार्टी। और मैं यही आपसे कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार बदल सकती है, तो कोई भी राजनीतिक दल अपना उम्मीदवार बदलने के लिए विवश हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो आप देख रहे थे कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए कहा कि उन्होंने कहा कि अभी मुझे निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन जैसा कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला सर जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि अभी आएगी, जब आएगा तब देखा जाएगा, क्योंकि निमंत्रण देना और मजबूती, इससे मजबूती अखिलेश यादव को मिलेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अगर वो शामिल होते तो मजबूती उन्हें ही मिलेगी। राज्यसभा को लेकर भी उन्होंने कहा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अपर्णा यादव को वो टिकट नहीं देंगे क्योंकि वो नए चेहरे तलाशना चाहते हैं, और इतनी जल्दी अपर्णा यादव को राज्यसभा नहीं भेजेगी बीजेपी। क्या होता है, क्या लगता है आप सभी को कि वास्तव में बीजेपी जो भी नए चेहरे को तलाश रही है, नए चेहरे पर दांव लगाए, कि क्या वास्तव में सही है? आप कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं। कैसा लगा ये हमारा कार्यक्रम, इस पर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।